चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर रीवा से, जहां सीएम शिवराज रीवा सीधे दौरे पर। दोपहर 1:35 पर मोहनिया टनल पहुंचेंगे सीएम। 6 लेन की नवनिर्मित टनल का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें मोहनिया घाटी में 1004 करोड़ की लागत से बनी है टनल। मंत्री गडकरी स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे, आम सभा का लोकार्पण करेंगे और समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रीवा से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा और सीधी दौरा है। दोपहर 1:35 पर मोहनिया टनल पहुंचेंगे सीएम। 6 लेन की नवनिर्मित टनल का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मोहनिया घाटी में 1004 करोड़ की लागत से ये टनल बना है। बता दें कि मंत्री गडकरी स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे और आम सभा को संबोधित भी करेंगे और लोकार्पण समारोह में जो है उनकी मौजूदगी देखी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रीवा से, मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। दोपहर 1:35 पर मोहनिया टनल पहुंचेंगे। 6 लेन के नवनिर्मित टनल का लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। इसी के साथ रीवा से हमारे संवाददाता प्रद्युम्न शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रद्युम्न, आज कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा और सीधी के दौरे पर पहुंच जाएंगे और लोकार्पण वो करेंगे 6 लेन की नवनिर्मित टनल का। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल अस्मिता, यहाँ पे बता दूं कि रीवा के लिए अच्छी सौगात, रीवा और सीढ़ी के लिए अच्छी सौगात है। तो देश की सबसे लंबी सड़क है ये टनल है, जो कि आज नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे पहले सीधी। सीधी में जनसेवा अभियान के हितग्राहियों के स्वागत आएंगे। चुराहट हवाई पट्टी में नितिन गडकरी का स्वागत करेंगे। इसके बाद फिर बाई कार वहां से निकल करके और टनल का उद्घाटन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 100 फीट लंबा राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाएगा टनल में के बाद। जी, आपका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा यहाँ तो नेटवर्क में जाइए। हेलो, जी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, तो ये कुल मिलाकर रीवा के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात है और साथ ही राष्ट्र ध्वज भी 100 फीट जैसा आपने बताया ऊपर फहराया जाएगा, साथ ही नितिन गडकरी जी का भी आगमन है। बिल्कुल, रीवा के लिए अच्छी सौगात है और रीवा वासियों में खुशी की लहर भी है, जो कि लगभग यहाँ लगातार जो दुर्घटनाएं हादसा हो रहा था रीवा से सीधी जाते समय, वो हादसे से हादसा भी टलेगा और एक अच्छी सड़क, अच्छा टनल, अच्छा विकास का रूप ये रीवा सीधी के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी सौगात आज रीवा को मिलने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है, उनके साथ ही जो है नितिन गडकरी का भी रीवा दौरा है, वहां पर टनल का लोकार्पण।